बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक नया प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है वो विजुअल बेसिक में बना हुआ है, जिसमें हम डेटाबेस यूज करेंगे, एमएस एक्सेस, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको यहाँ पे पूरा सोर्स कोड भी दिखाऊंगा और कैसे इसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है मैं बता दूं, नाम है, इसे हम कह सकते हैं माई फोन बुक या कॉन्टेक्ट बुक रिकॉर्ड। तो चलिए मैं एक बार फोकस करता हूँ जो प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, माई फोन बुक, हम इसका ये नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को, इसमें बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 आपको टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे, जिसमें आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, मोबाइल नंबर, इस तरह के। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 5 बटन लगा रखी है। पहला बटन जो है वो रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, दूसरा सर्च करने के लिए, तीसरा एडिट या अपडेट करने के लिए, चौथा जो है वो डिलीट करने के लिए, और पांचवा जो है वो आपका एग्जिट बटन। और यहाँ कॉर्नर पे आप जो देख रहे हैं ये है आपका, यहाँ पे मैंने लगा रखा है पिक्चर बॉक्स लगा रखा है। साथ ही साथ आपको कुछ और टूल्स लेने होंगे, जिसमें कि एक ओपन फाइल कंट्रोल है, ये ओपन फाइल डायलॉग है जिसका मैंने नाम CDL1 कर रखा है, और 2 टाइमर कंट्रोल लेने पड़ेंगे आपको, और एक कॉन्टेक्स्ट मेनू स्ट्रिप भी आपको लेना पड़ेगा। देखता हूँ इसे रन करके कि किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, क्या इसकी वर्किंग है। तो जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, तो रन करने के बाद ये इस तरह से सामने आपके आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक नाम एंटर कर देता हूँ, नाम मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जैसे कि करण, यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ, और वाई, ओके। तो यहाँ पर मैंने नाम एंटर कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर आप अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री एंटर कर लीजिए, यहाँ पे दिया मैंने, और यहाँ पे ईमेल दे देते हैं gmail.com, ओके। और यहाँ पे फोन नंबर जो वगैरह है आपके पास तो दे सकते हैं, और यहाँ पे सिटी भी दे देते हैं, ओके, और सिटी हो गया। मोबाइल नंबर भी अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। साथ में यहाँ पे फोटो, तो मुझे अगर फोटो चूज करना है सेलेक्ट, किसी भी बंदे का फोटो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको रिकॉर्ड भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहीं पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि प्लीज सेलेक्ट फोटो, तो आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लो जहां से आपको मिल जाए कोई भी फोटो, ठीक है। तो मैं फिलहाल के अभी के लिए मैं यहाँ पे एक फोटो ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला फोटो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे वन फ्रेंड सेव, तो वो रिकॉर्ड आपको सेव हो चुका है। तो आप देखते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में आएंगे तो ये वो रिकॉर्ड है जो अभी हाल ही में मैंने इसे सेव किया हुआ है, ओके। अब बात करते हैं अगर मुझे इसे सर्च करना है, सपोज करो कि यहाँ पे मुझे सिटी और कंट्री जो है उसे मॉडिफाई करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च की बटन है, तो सर्च वाले बटन पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ से कह रहा है प्लीज इंटर, उसका नाम इंटर करना है आपको, तो आप उसका नाम इंटर कर दो। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, वो आपको बेसिकली उसका नाम, फर्स्ट नेम जो है वो इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जब नाम दिया तो यहाँ पे देखे ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। तो सपोज मुझे यहाँ पे जो इंटर करना था उसका नाम जो था, ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ और इंटर कर दिया, करण कुमार, और जो सिटी है मैं सिटी को कर देता हूँ, ओके। तो सिटी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, और जब मैं इस पे, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपडेट करना है, मैं चीजों को मॉडिफाई करना हूँ। सपोज ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे मैंने कर दिया 9898, ओके। तो यहाँ पर मैं चीजों को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एडिट बटन, ठीक है। सपोज अगर मुझे ईमेल को भी क्या करना है, ईमेल को भी अगर मुझे मॉडिफाई करना है, सॉरी जो फोटोज हैं उसे भी अगर मॉडिफाई करना है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एक फोटो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब जब मैं इसे एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सक्सेसफुल क्या हो गया है, यहाँ पे सेव हो चुका होगा, ये देखिए ये रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो चुकी है। सपोज यहाँ तो देख लिया आपने, आपने यहाँ पे देखा कि हमने कैसे रिकॉर्ड को सेव किया। सपोज करो अगर किसी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है, तो सपोज कि ये एक रिकॉर्ड है जिसका क्या नाम है, करण कुमार नाम है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड को अगर मुझे डिलीट करना है, तो सबसे पहले आप सर्च वाले बटन पे क्लिक करो, तो यहां से पहले उसे आप सर्च कर लो। तो सर्च करने के लिए उसका नाम जो है वो टाइप करो आप, ओके। तो ये इनका फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया करण कुमार और इसे मैंने ओके किया, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुकी है। तो अब इस रिकॉर्ड को अगर मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपके पास डिलीट नाम का बटन है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है और ये रिकॉर्ड आपके डेटाबेस से सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह की फंक्शनलिटी है, और आप इसमें अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं उन सबका रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, वहां पे मैं आपको उसका सोर्स कोड दिखाता हूँ। तो एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो गया, ओके। तो यहाँ पर हम आ गए, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का आप डिजाइनिंग यहाँ पे पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसका डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे। आपको एमएस एक्सेस ओपन करना होगा, और एमएस एक्सेस में यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाई है, उस टेबल में जो पहला कॉलम होगा वो होगा एफ नेम, इसको मैंने टेक्स्ट के तौर पर रखा हुआ है।
फिर दूसरा जो होगा वो होगा लास्ट नेम, फिर कंट्री, सिटी, मोबाइल नंबर और फोन नंबर, फोन नंबर और मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे ईमेल और फोटो। तो यहाँ पे देखिए सारे सारे जो इन्फॉर्मेशन होंगे उनका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट, और जो फोटो होगा फोटो को हम OLE ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे बनाएंगे। तो इसका नाम आप, मैंने यहाँ पे फोन वन रखा दे रखा है, और इस डेटाबेस का नाम जो है यहाँ पे देख सकते हैं फोन बी कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटाबेस इसे तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ इसका सोर्स कोड दिखा दूँ। तो सबसे पहले ये बटन है, बटन के आप नाम रीनेम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, आप पे डिपेंड करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली लेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये लेबल्स हैं, और इनको मैंने यहाँ पे दे रखा है ताकि इन पे क्लिक करें और फिर ये नेक्स्ट प्रीवियस जैसा हो सके, तो ये भी हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फॉर्म के लोड इवेंट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो कोड है, ये आपको फॉर्म के लोड इवेंट पे लिखना है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं आपको सेव बटन का कोड दिखा दूं, तो सेव बटन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये जो कोड आप देख रहे हैं ये सेव बटन का कोड होगा, और उसके बाद यहां तक, और साथ ही साथ उसके आगे भी है, और यहां से हम चेक कर लेंगे और यहां पर ये कोड पूरा खत्म हो जाता है। हम सर्च की बात करते हैं तो सर्च पे आएंगे, तो सर्च पे हम यहां पर ये सर्च बटन का कोड है, तो पूरा का पूरा आप देख लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे ही चलते रहेंगे। तो सब कुछ आपके इस वीडियो में सब कुछ आपको विजिबल होगा, कोड भी विजिबल होगा, तो आप जैसे जैसे कोड लिखा हुआ है वो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तीसरे बटन पे तो एडिट बटन का जो कोड है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहां से स्टार्ट होता है एडिट बटन का कोड, और उसके बाद ये जो पूरा कोड आप देख रहे हैं यहां तक ये एडिट बटन का कोड है। डिलीट बटन का, तो डिलीट बटन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है डिलीट बटन का कोड पूरा, यहां से लेके यहां तक। एग्जिट पे कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल सा आपको कनेक्शन को बंद कर देना है और एप्लीकेशन को एग्जिट कर देना है। और उसके बाद अब हम एक तरफा मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा कोड आपको दिखा देता हूँ। सबसे टॉप पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के नेम्स पे सेट करने होंगे, उसके बाद स्टार्टिंग में कुछ आपको वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने होंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर रखे हैं, और उसके बाद आप चलते रहेंगे, तो ये सबसे टॉप पे करना है। और यहाँ पे जो एक डेटा ग्रिड व्यू का जो फंक्शन है डेटा ग्रिड व्यू का, तो वो ये रहेगा, तो ये सब कमेंट वाला आप छोड़ दीजिए, इसे नहीं लिखना है। और यहाँ से आपको लिखना है, बेसिकली यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ तक पूरा का पूरा यहाँ तक। और उसके बाद जो एक क्लियर नाम का जो बटन होगा, फंक्शन है क्लियर नाम का, जो कि जहां जहां क्लियर कॉल हो रहा है, तो क्लियर का जो कोड है वो यहां पर है, सब कुछ क्लियर कर देगा। और उसके बाद बटन, एग्जिट बटन का कोड ये रहा, ये आपका सेव बटन का कोड है पूरा, यहां तक आ जाइए, पूरा का पूरा सेव बटन। और यहां पर जो देख रहे हैं ये फॉर्म का लोड इवेंट, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फॉर्म का लोड इवेंट है। और फिर यहां पर एक साइज वन नाम का जो फंक्शन है वो उसका है, ये प्रोसीजर जो है ये उसका यहाँ पे है कोड। और यहाँ पे टाइमर पे, तो मैं बता दूं मेरे पास, मैंने फॉर्म पे दो लिए थे दो बटन, तो टाइमर पे डबल क्लिक करेंगे तो टाइमर वन का ये कोड है पूरा, ठीक है, ये टाइमर वन पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका कोड यहाँ पर है। फिर जब टाइमर टू पे आप डबल क्लिक करेंगे तो टाइमर टू का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कोड टाइमर टू का है। और उसके बाद आप चलेंगे यहाँ पे, तो इसका भी देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे फंक्शन। तो यहाँ पे हमने इस पे कोई कोड, कोई भी कोड नहीं लिखा है इसका, ठीक है। और मैं इसकी बात करूं तो इसका भी आपने यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ओके, तो ये हो गया, अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा था, ठीक है। फॉर्म को लोड तक पहुंच गए, साइज वन, साइज वन ये टाइमर टिक वन है, फिर टाइमर टिक टू आ गया, उसके बाद आप आपने क्लियर कॉल किया था तो क्लियर के लिए है, और ये फॉर्म वन माउस डाउन, ओके। तो फॉर्म वन जो है आपका, इस फॉर्म वन पे एक इवेंट है, कौन सा इवेंट, लोड इवेंट पे कोड हुआ है, और फॉर्म माउस के डाउन पे कोड हुआ है। तो यहाँ पे जो माउस डाउन, तो आपको क्या करना है, फॉर्म को सेलेक्ट करना है, माउस डाउन इवेंट पे आपको डबल क्लिक करना है, और वहां पे आपको ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कोड आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सर्च वाला बटन, सर्च बटन का जो कोड है वो ये है, और ये पूरा सर्च बटन का कोड हो गया आपका। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ एडिट बटन का जो पूरा कोड है ये, जहाँ से एडिट या अपडेट हम कर सकते हैं, और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिलीट बटन का कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप डिलीट कर लेंगे। फिर ये यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लिक, तो ये जो आप कोड देख रहे हैं ये है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट, ये है एल फर्स्ट, तो देख लेते हैं, यस इट्स ऑल्सो एल फर्स्ट क्लिक। तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ओके, तो आप यहीं पर आएंगे, तो ये इस बटन का, मतलब कि कौन सा बटन है यहाँ पे, फर्स्ट इमेज के लिए, और ये नेक्स्ट बटन का कोड है यहाँ पे, और उसके बाद ये प्रीवियस बटन का कोड यहाँ पर आएगा नीचे, हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे, ये प्रीवियस बटन का कोड है पूरा, पूरा का पूरा जो कोड है प्रीवियस बटन का है। और उसके बाद यहाँ से इमेज रिट्रीव हो जाएगा प्रीवियस का,
और फिर यहाँ पे जो लास्ट बटन है आपका, ये लास्ट बटन का पूरा कोड होगा, ठीक है। तो आपको बस उस पर डबल क्लिक करना है, उसका मेथड ऑलरेडी बन जाएगा और वहां पर आपको ये पूरा का पूरा कोड जो है आप दिख रहे हैं, इसे कॉपी कर पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद फोटो, तो भाई फोटो पे हम करेंगे क्लिक। ये जो फोटो है, फोटो पे सेलेक्ट कर लो, इस पे क्या है क्लिक पे। फोटो पे देखिए तीन तरह के मेथड है, इवेंट पे हमने यहाँ पे कमांड किया हुआ है, एक तो क्लिक पे जब आप इस पे क्लिक कर दो तब, या फिर आप यहाँ पे देखो क्या है ड्रैग ड्रॉप पे या इंटर बटन पे, या तो आप ड्रैग ड्रॉप कर दो या बटन को इंटर कर दो। तो इन तीनों पे मैंने सेम कोड लिखा हुआ है, तो इस पर डबल क्लिक करो, ये यहाँ पे देखिए। तो ये जैसे आप इमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग ओपन हो जाएगा, वहां से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे जेपीजी बीएमपी, तो डिफरेंट फॉर्मेट की इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से वो हो जाएगा। फिर अगर आप इमेज ड्रैग करते हैं, मान लीजिए कोई फोटो वहां पे लगा आप ड्रैग करते हैं, तो उस पर भी ये सेम टास्क यहाँ पे वर्क करेगा ये क्वेरी, और या फिर अगर आप इंटर बटन से प्रेस करते हैं तो भी यहाँ पर ये चीज टास्क ये कोड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो भाई ये जो प्रोजेक्ट है आपको मैंने पूरा का पूरा कोड दिखा दिया, ये प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट में मान लीजिए अगर मैं कोई एक नई वैल्यू इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राज और यहाँ पे लिखा कुमार, कंट्री और जो ईमेल होगा वो भी मैं लिख देता हूँ @, उसके बाद फोन नंबर देते हैं इनके और सिटी दे देते हैं इनका, साथ ही साथ यहाँ पे हम इनके मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, ओके। और अगर मैं एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इनका, तो इमेज सेलेक्ट करके हम ले लेते हैं एक इमेज, तो ये वाला इमेज हमने ले लिया और ओपन। और जब भी मैं इसे सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ पे कह रहा है वन फ्रेंड सेव, ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो चुका है। तो आप सबसे लास्ट में आएंगे तो ये वो रिकॉर्ड था राज का, यहाँ पर आ गया। तो सर्च करने के लिए फिर से आपको वही करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है राज और जब आप इसे ओके करेंगे तो ये रिकॉर्ड फिर से आ गया। अच्छा नेक्स्ट बटन का कोड देख लेते हैं, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आपका आता रहेगा, तो लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, फर्स्ट पे चलेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको मॉडिफाई करना है तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। TS और आपको इस पे क्या कर देना है, एडिट पे क्लिक कर देना है, तो ये रिकॉर्ड आपका एडिटेड हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप इससे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंडर बाबा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।